हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी। मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी। दोस्तों, फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका अपना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। गुड आई एम सी फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी, आपका कोच। और चलिए, आज मैं आपको जो टॉपिक दिखाने जा रहा हूँ, IMC इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो अभी दिसंबर में बिजनेस प्लान अपडेट हुआ है, दिसंबर 2020 में, तो आज हम उस नए प्लान के साथ आपको दिखाएंगे और आपको आज सिखाएंगे न्यू बिजनेस प्लान चेयरमैन तक का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्त, तो अब मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। जैसा कि अभी आपने देखा बिजनेस प्लान 2020, तो दोस्तों ये है इंटरनेशनल बिजनेस प्लान हमारा मार्केटिंग कॉरपोरेशन का। देखिए IMC बिजनेस, दोस्तों इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है? इस बिजनेस को 18 साल या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति बिना किसी निवेश के, यानी कि बिना किसी भी पैसा लगाए इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। भाई इसमें करना क्या होता है, अपनी जरूरत का सामान लेना होता है और कोई भी निवेश नहीं करना होता, कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता। और IMC में आप एसोसिएट बनने के बाद आपको कंपनी के प्रोडक्ट 30% तक की छूट पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब इसमें और आगे ज्वाइनिंग की हम बात कर लेते हैं। IMC का जो बिजनेस एसोसिएट बनने के ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है, यानी आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड करना होता है और ज़्यादातर हम लोग ऑनलाइन ही रजिस्टर करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन फॉर्म को भर के, जो भी आपकी डिटेल्स हैं उसको हम भरेंगे और तुरंत OTP वेरिफिकेशन द्वारा कंपनी का बिजनेस एसोसिएट बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें अभी बहुत एक अच्छा और भी इन्होंने ऑप्शन कर दी है बहुत अच्छी अपनी वेबसाइट में और अपने एसोसिएट्स को, कि अगर कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्वाइन होते हैं कि जो बिजनेस नहीं करना चाहते बट हमारे से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें यार सस्ते में मिल जाए, जो हमारे एसोसिएट प्राइस हैं उस पर मिल जाए। तो दोस्तों इसमें कंपनी ने अभी इस 2020 दिसंबर से बहुत अच्छी ऑप्शन करी है कि जो भी एसोसिएट, अगर प्रेफर्ड कस्टमर, यानी कि आप कस्टमर बनाना चाहते हैं, अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता और कस्टमर बनता है, जैसे कि उसको एक तुलसी या दो कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, दो चार प्रोडक्ट ही चाहिए, तो आप उसका वो प्रेफर्ड कस्टमर बना सकते हैं। और प्रेफर्ड कस्टमर बनाने के क्या फायदे होंगे, जो भी एसोसिएट प्रेफर्ड कस्टमर बनाता है तो उसको क्या होता है कि जो भी उसके प्रेफर्ड कस्टमर जो भी प्रोडक्ट स्टोर से खरीदता है तो उसके बिजनेस वॉल्यूम आपकी पर्सनल आईडी पे जुड़ जाते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अधिक जानना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट करिए। चलिए, ज्वाइनिंग के बाद हमें KYC है ना, एक्टिवेशन। तो एसोसिएट को कंपनी की वेबसाइट पर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक्टिवेशन के लिए आधार नंबर या और पैन नंबर, और इसमें आपकी आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो और इसकी बैक फ़ोटो, ठीक है, जैसे कि पैन नंबर, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज या कैंसिल चेक, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो आपका हम KYC डॉक्यूमेंट के लिए इसको अपलोड कर देते हैं और वो उसमें आपकी KYC कंप्लीट करा दी जाती है। तो IMC के बिजनेस एसोसिएट बनने के क्या क्या फायदे हैं? लाभ, बिना किसी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, रिटेल प्रॉफिट 30% तक का, और एक फ्री वेब पेज मिलता है आपको, वेबसाइट है, उसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो एप्लीकेशन वेब पेज मिलता है जिससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं, उसमें आप अपने स्टोर्स लोकेट कर सकते हैं, जिस भी एरिया में है उस एरिया के आसपास के स्टोर लोकेट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्ट देख सकते हैं और क्या उसके प्राइस लिस्ट देख सकते हैं, और नए किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर को जोड़ना हो या एसोसिएट बनाना हो तो आप उसको भी अपने उस आईडी से, आप वेब पेज से जोड़ सकते हैं, ठीक है। सुपरस्टार फंड, सर अगर आप सुपरस्टार बन जाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे इसमें हमारे कितने लेवल हैं, फिर हम आज चेयरमैन तक की बात करने वाले हैं। सुपरस्टार फंड जो है, अगर आप इस लेवल को अचीव करके रखते हैं तो 2% फंड मिलता है, मीटिंग फंड 2% मिलता है, ट्रैवलिंग फंड 2% मिलता है, मोटर बाइक फंड 2% मिलता है, कार फंड 2% मिलता है, हाउस फंड 2% मिलता है, चेयरमैन स्टार फंड 2% मिलता है,
एम्बेसडर स्टार फंड 1% मिलता है, क्राउन एम्बेसडर स्टार फंड 1% मिलता है, प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5% है, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड 0.5% है, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार फंड एसोसिएट अवार्ड 0.5% है, डायरेक्ट क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट अवार्ड 0.25% है। दोस्तों आप कहेंगे 0.25% होता ही क्या है, पर जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो 0.25% भी कम से कम आपको 25 से 30 हजार रुपया एक इनकम कम से कम देता है। मैं कम से कम की आपको बता दूं, 25 से 30 हजार रुपये मिनिमम आता है इस पे भी। तो जब आप इस लेवल पे होते हैं तो कम से कम आपको लाखों रुपया आ रहा होता है, ठीक है। कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट अवार्ड 0.25% और रॉयल सालाना बोनस, अगर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको एक सालाना बोनस, रॉयल सालाना बोनस भी 5% तक मिलना शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे बिजनेस प्लान में, जो हम साधारण सी बात करते हैं बीवी। बीवी क्या होते हैं? बिजनेस वॉल्यूम। जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उस पर एक निर्धारित की हुई संख्या, यानी कि जो उसको हम आप इजी वे में पॉइंट हम बोलते हैं, लोग पॉइंट ज़्यादातर बोलते हैं, बट हमारे IMC में उसको बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता, पॉइंट नहीं कहा जाता। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उस पर आपको यानी पॉइंट के रूप में एक बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं और वॉल्यूम वो एक तरीके से पॉइंट ही हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस वॉल्यूम, उसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, और उस लेवल और प्रॉफिट की ही गणना की जाती है, उस बिजनेस वॉल्यूम के ही आधार पर हमें पेमेंट मिलती है। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम यानी कि PBV मतलब पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, एसोसिएट द्वारा अपनी ID पर खरीदे गए प्रोडक्ट पर मिलने वाले PV पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अपनी आईडी पे, अपनी पर्सनल आईडी पे कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, PBV होते हैं, राइट। ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम यानी कि GBV, एसोसिएट द्वारा विभिन्न डाउनलाइंस में बनाए बीवी, फिर चाहे वह डाउनलाइन किसी भी लेवल या क्वालिफिकेशन को प्राप्त कर चुका हो या चुकी हो, वह एसोसिएट के ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में ही होंगे, ठीक है। दोस्तों जैसा कि अब आपने मान लीजिए किसी दो लोगों को नीचे जोड़ा और वो अगर कुछ भी पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो वो आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होंगे, वो भी आपके साथ जोड़े जाएंगे, बट वो आपके ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होंगे, और जो आप खुद करेंगे वो आपके पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम होंगे, ठीक है। तो फिर होता है PGBV यानी कि पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, आप जो करेंगे और आपके नीचे वाले जो करेंगे उन दोनों को मिला के PGBV होता है, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। एसोसिएट द्वारा विभिन्न डाउनलाइंस में बनाए बीवी और पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम उसके पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम होंगे। जब आपकी डाउनलाइन में कोई एसोसिएट सुपरस्टार बनता है तो 30,000 बीवी और उससे ऊपर, तो उसके बीवी आपके PGBV में शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो भी अगर आपकी डाउनलाइन में कोई 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करता है और क्वालिफाइड सुपरस्टार होता है या सुपरस्टार बन जाता है, तो वो आपके पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में शामिल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। बट आपको लेवल मिलेगा। अगर सुपरस्टार लेवल के एसोसिएट के बीवी 30,000 से कम होंगे तो बीवी आपके PGBV में काउंट होंगे। अगर वो उस लेवल को मेंटेन नहीं करता और 30,000 से कम होंगे तो आपके वो बिजनेस वॉल्यूम उसके आपके PGBV में काउंट होंगे। तो चलिए एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंसेंटिव, 10 से 30% होती है बट 35% है, राइट। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 10 से 35% तक का भी प्लान दिया गया है, तो हम देख लेते हैं इसको। परफॉर्मेंस इंसेंटिव की गणना के लिए प्रत्येक माह एसोसिएट और उसकी डाउनलाइन द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट के मासिक यानी कि महीने के बिजनेस वॉल्यूम जुड़ते रहेंगे, यानी कि एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जुड़ते क्रम में आपको मिलता है। IMC सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान एसोसिएट को पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम और आपके ग्रुप द्वारा बनाए गए कुल पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर आपको 10 से 35% तक का इंसेंटिव का अवसर देता है। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई भी एसोसिएट किसी भी लेवल पर पहुंच जाता है तो उसके लेवल और आपके लेवल की परसेंटेज, प्रतिशत का जो भी अंतर होगा वो आपको मिलेगा, यानी कि आपकी डाउनलाइन और आप में जो भी एक लेवल का डिफरेंस है उसके हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगा, वो हम अभी आगे दिखाएंगे कैसे। तो कुल परफॉर्मेंस इंसेंटिव में से आपकी डाउनलाइन का बनता परफॉर्मेंस इंसेंटिव निकालकर आपके एसोसिएट को तथा आपकी आमदन आपको अदा कर दी जाती है। तो चल देख लेते हैं फटाफट से कि 35% का जो हमारे लेवल है कैसे मिलते हैं।
तो दोस्तों पहला अवार्ड जो होता है हमारा स्टार वन होता है, इसके लिए हमें 1001 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट लेवल होता है 10% हो जाता है। यानी कि आप 1001 बिजनेस वॉल्यूम पर्सनल या पीजीबीवी या पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं अपने ग्रुप के साथ और अपने मिला के आप 1001 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपको 10% का प्रॉफिट मिलता है। पर दोस्तों यहाँ पे आपको अपने जो पर्सनल करने होते हैं मिनिमम 500 से 1001 से आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम करना होता है पर्सनल आमदन पाने के लिए। तो 1001 बिजनेस वॉल्यूम कीजिए 10%, और स्टार टू 7501 अगर बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है आपका और आपके ग्रुप का मिला के तो आपका लेवल 20% हो जाता है। ठीक है, स्टार थ्री 25001 पे आपका लेवल होता है 25%, स्टार फोर दोस्तों 60001 और आपका जो प्रॉफिट लेवल होता है ये होता है 30%। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा अभी 3 दिसंबर 2020 से आप सभी एसोसिएट के लिए अच्छा सा ये एक प्लान लाए हैं जो ये स्टार फोर है 60001। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले 75001 करने होते थे 30% के लिए, अब यहाँ आपको ये बहुत जो नए जुड़े हैं और जो अब इसको आप अचीव करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको सिर्फ 60001 ही बिजनेस वॉल्यूम करने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं सुपरस्टार। दोस्तों जैसे ही आप स्टार फाइव पे जाते हैं यानी कि 35% लेवल जब आपका प्रॉफिट लेवल होता है तो आप यहाँ पे हमारी कंपनी के बन जाते हैं सुपरस्टार। 35% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करते ही तो आपको सुपरस्टार एसोसिएट बना दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसमें पहले जो था 150001 पे ये आपको प्रॉफिट लेवल मिलता था 35%, सुपरस्टार का जो लेवल था वो 150001 पे मिलता था, जो अब कंपनी ने उसको घटा के 101 पे कर दिया है। तो बहुत ही धन्यवाद है हम इस कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर के और जो हमारे इतने अच्छे लीडर्स हैं जो उनको और भी सलाह देते हैं तो बहुत ही अच्छे प्लान के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वालिफाइड सुपरस्टार, ठीक है, क्वालिफाइड सुपरस्टार यदि एक एसोसिएट 35% प्रॉफिट लेवल को प्राप्त करता है तो वह सुपरस्टार एसोसिएट बन जाता है। राइट, जैसा कि आपने देखा 101 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप वो कर लेता है तो वो सुपरस्टार बन जाता है 35% प्रॉफिट का। उसके बाद क्या कहता है कि क्वालिफाइड सुपरस्टार यदि कोई सुपरस्टार किसी भी एक महीने में, मान लीजिए आप इस महीने में सुपरस्टार बने, नेक्स्ट मंथ आप अगर 30,000 पीजीबीवी कर लेते हैं यानी कि अपना और ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम मिला के 30,000 होता है तो वह उसी महीने क्वालिफाइड सुपरस्टार बन जाता है, और दूसरे महीने से उस लेवल को मेंटेन करने से वह क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड के योग्य बन जाता है। यानी कि आपने इस महीने 30,000 पीजीबीवी बनाए तो आप क्वालिफाइड सुपरस्टार हो गए, और अगर नेक्स्ट मंथ भी आप 30,000 पीजीबीवी करते हैं तो उसको लेवल को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारी कंपनी आपको कहती है कि आप एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बन गए हैं, और जैसे ही आप क्वालिफाइड सुपरस्टार बनते हैं तो आपको एक फंड मिलता है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा बड़ा 2% कंपनी के कुल बिजनेस वॉल्यूम का जो है 2% क्वालिफाइड सुपरस्टार फंड के लिए निर्धारित किया गया है, जिसे सिर्फ उसी महीने के क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है। तो ये भी बहुत एक अच्छी खुशखबरी है, ये भी इन्होंने 2019 के एंड या 2020 के स्टार्टिंग में शुरू किया था क्वालिफाइड सुपरस्टार को 2% देने के लिए। तो दोस्तों फास्ट 25% लेवल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको किसी भी एसोसिएट को एक महीने में 7501 7501 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम यानी कि पीबीवी बनाना होगा। ठीक है, अगर वो एक किसी भी एक महीने में 7501 पीबीवी बनाता है तो वो 25% लेवल को प्राप्त कर लेता है। और फास्ट सुपरस्टार 35% लेवल यदि कोई भी एसोसिएट एक महीने में 60001 पीजीबीवी, देखिए समझिएगा, वहां पे अगर आप 25% लेवल पाना चाहते हो तो आपको एक ही महीने में 7501 यानी कि 7501 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करने हैं, और अगर आप फास्ट सुपरस्टार 35% पे जाना चाहते हैं तो आपको एक ही महीने में 60001 पर्सनल ग्रुप
बिजनेस वॉल्यूम यानी कि अपना और ग्रुप का मिला के 60,000 एक ही महीने में करना होगा, तो आप डायरेक्ट 35% लेवल प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों जानना आप जानते हैं यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिलता कैसे है, राइट। उदाहरण के लिए चलो मान लो कि आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करते पहले महीने में आपको अपने साथ 4 डायरेक्ट एसोसिएट ए बी और सी और डी तो ज्वाइन करवाते हैं, और आपके ये एसोसिएट आगे अपनी टीम में नए एसोसिएट बनाते हैं, तथा आप आपके डायरेक्ट एसोसिएट और उनकी टीम के एसोसिएट पहले महीने में नीचे दिए हुए बीवी बनाते हैं, तो आपका और आपकी टीम का परफॉर्मेंस लेवल नीचे की सारणी से कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप हैं, आप ये आपकी टीम ए बी सी और डी, ठीक है सर। तो यहाँ पे आप बनाते हैं, आप 4,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करते हैं एक महीने में, ठीक है। डाउनलाइन ए जो कि ये है, ये करती है 7,601 बिजनेस वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, राइट, नॉट ए पर्सनल ग्रुप बिजनेस, पीजीबीवी या ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करती है। तो ये इनका लेवल हो जाता है 20%। डाउनलाइन बी अगर 3,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करती है जीबीवी तो उसका होता है 10%। डाउनलाइन सी 5,000 करती है तो भी 10%, और डाउनलाइन डी अगर करती है 6,000 तो भी 10%। तो हम आपके टोटल करते हैं, टोटल करके हो जाते हैं 25,600, यानी कि जो आपका पीजीबीवी है, यानी कि आपका पीबीवी और जीबीबीवी यानी कि ग्रुप का, आपका पर्सनल और ग्रुप का मिला के 25,600 हो गए, तो आपका जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है 25%, राइट, जैसा हमने बताया था। तो 25,001 पे 25% लेवल, तो यहाँ 25,600 हो गए तो आपका लेवल 25%। तो अब आपको पेमेंट मिलेगी कैसे, तो आपके पीजीबी जो आपके पर्सनल बीवी है पीबीवी 4,000, तो 25% का आपका लेवल हो गया, तो 25% के हिसाब से आपको मिलता है 1,000 रुपया, राइट। उसके बाद जो ए थी 7,600, ये थी आपकी 20% पे, तो उसका आपको जो मिलेगा 5% डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि वो 20% पे और आप 25 पे हैं, तो उसका डिफरेंस हमें मिलता है। तो यहाँ आपको उसका डिफरेंस मिलेगा 5%, 380 रुपया। बी से जो है 3,000, वो 10% पे थी, 15% का डिफरेंस 450। जो सी थी उसका भी लेवल 10% था, डिफरेंस 15% आपको मिला। सी है, सी से भी आपको डिफरेंस 15% मिला, 900 रुपये। तो आपको जो टोटल आपको बना 3,480 रुपये, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रॉफिट लेवल का अंतर आपके और आपके डायरेक्ट एसोसिएट के प्रॉफिट लेवल का अंतर आपको दे दिया जाता है, और जो ये लेवल इन्होंने अचीव किया 20%, तो उनको 20% मिलेगा, ठीक है इसका, और जिन्होंने किया है अपना 10%, उनको 10% के हिसाब से मिलेगा, और जो भी बीच का डिफरेंस है आपको वो डिफरेंस आपको मिलेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आईएमसी बिजनेस में परफॉर्मेंस इंसेंटिव की गणना और कैसे होती है। उदाहरण 2, आईएमसी बिजनेस में आपके पिछले महीने बिजनेस वॉल्यूम अगले महीने के बिजनेस वॉल्यूम में जुड़ जाते हैं, जैसा कि हमने बताया एक्यूमुलेटिव है, जो भी आपकी टीम ने जैसे कि पिछले महीने बनाए थे 25,600 प्लस इस महीने जो भी बनेगा, जैसे कि इस महीने आपका बना 1,05,000, तो ये टोटल जोड़ के 1,30,600 हो गया, और 1,01,000 पे जैसा कि कंपनी ने इस महीने से दिसंबर 2020 से कर दिया है, तो आपका लेवल हो जाएगा 35%, राइट। तो अब हम नीचे से फटाफट से देख लेते हैं, अगर यहाँ पे वापस से आप करते हैं करंट मंथ में, इस मंथ में जो चल रहा है वर्तमान मंथ में करते हैं 4,000 वापस से, और आपकी लाइन करती है जो डाउनलाइन ए 15,000, बीवी करती है, ठीक है, सी करती है, बी करती है 17,000, सी करेगी 19,000 और डी करती है 50,000। ये जो कर रहे हैं नीचे ये सब पीजीबीवी कर रहे हैं, पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, राइट। और तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 4,000 था पिछले महीने आपका, 4,000 था टोटल हो गया 8,000। इस महीने आपकी ए ने किया 15,000, पिछले महीने था 7,600, 7,600, 7,600 टोटल मिला के हुआ 22,600, तो उसका लेवल हो गया 20%। 17,000, 3,000 टोटल हो गया 20,000, लेवल 20%। 19,000, 5,000
टोटल हो गया 24,000, लेवल 20%, ओके 50,000, 6,000, टोटल हो गया 56,000, लेवल हो गया 25%, राइट सर। तो टोटल आपका वर्तमान 1,05,000, पिछले महीने का 25,600, तो आपका जो लेवल हुआ वो हुआ टोटल 1,30,600 पे 35%। ठीक, तो अब पेमेंट कैसे मिलेगी? अब पेमेंट जो मिलेगी, यहाँ तो आपका लेवल हो गया 35%, बट जो आपको पेमेंट मिलेगी वो इस महीने के, जैसे कि ये वर्तमान मंथ के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो आपका जो लेवल वर्तमान उसमें हुआ, आपको उस हिसाब से पर जो पॉइंट काउंट होंगे वो वर्तमान के होंगे, जैसे कि 4,000 35%, 1,400, 15,000, ठीक है, ये इनका 20% था तो 15% आपको डिफरेंस बना, 15% के हिसाब से 2,250, 17,000 पे वापस से उसका 20% था, 15%, 2,550, 19,000, 15%, 2,850, 50,000, 25% लेवल था तो उसका माइनस कर दे 10%, 10% के हिसाब से आपको 5,000, तो टोटल जो आपको मिला 14,050 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस महीने जो आया अमाउंट 14,050 रुपये। ठीक है, ऊपर दिखाई गई आमदनी केवल एक उदाहरण है, आपकी वास्तविक जो आपकी जो मेन इनकम है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, टीम के द्वारा वर्तमान माह में बनाए गए कुल बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार होगी। अगर मान लीजिए इस महीने आपकी कोई भी टीम कुछ कम बनाती है या इससे और भी ज़्यादा बनाती है तो आपकी और अमाउंट बढ़ सकता है, कम करेगी तो कम हो सकता है, पर ये एक आपको उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें लेवल कौन कौन से हैं? 35% तक आपने सुपरस्टार का लेवल देख लिया था, तो जैसे ही आप सुपरस्टार बन गए और फिर आप अपने नीचे डाउनलाइन में किसी भी एक डाउनलाइन में क्वालिफाइड सुपरस्टार निकालते हैं तो आप हो जाते हैं सिल्वर स्टार। ठीक है, दो सुपरस्टार निकालेंगे तो गोल्ड स्टार, तीन सुपरस्टार निकालेंगे तो रूबी स्टार। यहाँ पे आप देखते जाइए जैसे भी यहाँ पे है, ठीक है, तो चार सुपरस्टार निकालने पे डायमंड, पांच पे चेयरमैन, ऐसे अम्बेसडर स्टार, क्राउन अम्बेसडर स्टार, प्रेसिडेंट स्टार, एसोसिएट। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कितनी लैक पे आपके ये आपको मिलेंगे, जो भी आपके इसमें लेवल्स हैं वो कितनी लैक पे कौन सा लेवल मिलेगा। बस हम आपको भी फिलहाल आज लेवल बता रहे हैं और चेयरमैन स्टार तक का आपको प्लान दिखाएंगे। तो पर आपको मैं लेवल बता देता हूँ, क्राउन अम्बेसडर स्टार एसोसिएट, प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, डायरेक्ट क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट और कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट। दोस्तों चेयरमैन जब आप बन जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट लेवल होता है 50%, ठीक है, उसके बाद आप अम्बेसडर में 50.5, क्राउन अम्बेसडर में 51%, तो ऐसे ही आपका जो और कोहिनूर क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो ये 52%। दोस्तों बेसिकली यहाँ तो आपको लगता होगा कम, बट अगर आप अपने लेवलों को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि आपने जिस महीने पिन अचीव करी और उसके आगे, ठीक है, अचीव करी और उसको मेंटेन कर लिया, उसी महीने मेंटेन किया और आगे दो महीने, यानी लगातार आपने तीन महीने अपने लेवल को मेंटेन कर लिया, तो जो आपको फंड्स मिलते हैं ना कंपनी से, जबरदस्त मेन इनकम हमारी वो होती है। ठीक है, तो हमें लेवल मेंटेन करके साथ साथ चलना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सिल्वर स्टार एसोसिएट अवार्ड को, जिसमें कि आपको 38% आपका लेवल हो जाता है। ठीक है, अगर एसोसिएट के नीचे एक क्वालिफाइड सुपरस्टार, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, एक क्वालिफाइड सुपरस्टार अगर आप तैयार करते हैं हो जाता है तो उसी महीने आपको 20,000 पीजीबीवी बनाने होंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपने एक क्वालिफाइड सुपरस्टार हुआ ये 30,000 बनाए, तो आपको अगर आपकी साइड से 3,00,000 थी, जैसे कि बी सी डी बची, तो आपको तीनों को मिला के अगर 20,000 बन जाते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे भी आपको 30,000 पीजीबीवी बनाने होते थे, पर कंपनी ने दिसंबर से इसको भी कम कर दिया है, इसको भी कंपनी ने 20,000 कर दिया है। तो आप अगर एक क्वालिफाइड सुपरस्टार और उसी महीने में साथ साथ आप जितनी भी आपकी साइड में लैग हैं उससे 20,000 पीजीबीवी बनाते हैं तो आप क्वालिफाइड सिल्वर स्टार बन जाते हैं, और इसको लगातार तीन महीने मेंटेन कर लेते हैं
तो चौथे महीने से इसके आपको फंड मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे महीने से 38% लेवल को बनाए रखने के लिए एसोसिएट को समान मापदंड बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा उस महीने के क्वालिफाइड कंडीशन के अनुसार प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। और लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस पाने के लिए एक सिल्वर स्टार एसोसिएट के नीचे एक क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होना चाहिए, और उसी महीने 20,000 पीजीबीवी, क्या बोला, 20,000 पीजीबीवी यानी कि पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बनाने होंगे, तभी वह पहली एक्टिव जनरेशन का 5% लीडरशिप बोनस प्राप्त कर पाएगा। फंड, यदि कोई एसोसिएट एक क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग से 20,000 पीजीबीवी लगातार 3 महीने तक हर महीने बनाता है, तो वह चौथे महीने से इस लेवल को मेंटेन करते हुए ट्रैवलिंग फंड पाने के योग्य हो जाता है। और सर, ट्रैवलिंग फंड आपको 2% अलग से मिलता है। गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार जैसे ही आप अचीव करते हैं तो यहाँ पे आपका लेवल हो जाता है 41%, और गोल्ड स्टार में आपको 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाने होते हैं। तो गोल्ड स्टार एसोसिएट अवार्ड प्राप्त करने के लिए 2 महीने 2 विभिन्न डाउनलाइन लेग में 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए, तभी वह गोल्ड स्टार एसोसिएट बनेगा और 41% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करेगा। नोट, दूसरे महीने से 41% प्रॉफिट लेवल बनाए रखने के लिए एसोसिएट को समान मापदंड यानी बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा उस महीने के लिए क्वालिफाइड कंडीशन के अनुसार प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। लीडरशिप बोनस पाने के लिए, लीडरशिप बोनस पाने के लिए गोल्ड स्टार एसोसिएट के नीचे 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए, और उसी महीने 20,000 पीजीबीवी बनाने होंगे। दोस्तों, जैसे कि पहले सिल्वर स्टार में था 1 क्वालिफाइड सुपरस्टार, यहाँ 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए, और बाकी अदर लेग्स हैं, 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार हो गए 2 लेग में, और बाकी जो अदर लेग्स हैं वहां से आपको 20,000 पीजीबीवी बनाने होंगे, तभी वह क्रमशः फर्स्ट और सेकंड एक्टिव जनरेशन से 5% और 3% का लीडरशिप बोनस प्राप्त करता है। फंड, यदि कोई एसोसिएट 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग मेंटेन करता है और 20,000 पीजीबीवी लगातार 3 महीने तक हर महीने बनाता है, तो वह चौथे महीने से इस लेवल को मेंटेन करते हुए ट्रैवलिंग फंड और बाइक फंड पाने के योग्य बन जाता है। यहाँ देखिए, आपको आपको फिर ट्रैवलिंग फंड मिलता है और बाइक फंड मिलता है, दोनों फंड मिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो फंड मिलते हैं इनसे आपकी एक मेन इनकम दिखती है। तो चलिए, रूबी स्टार, दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल है, अचीवमेंट है। अगर रूबी स्टार एसोसिएट अवार्ड प्राप्त करने के लिए एसोसिएट की 3 विभिन्न डाउनलाइन ए बी सी में क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए, तभी एसोसिएट रूबी स्टार एसोसिएट बनेगा और 44% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फायदा होते हैं, जैसे ही आप इस लेवल को प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ पे आप एक कहते हैं ना, सुरक्षित हो जाते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ आपका पूरा ध्यान दिया जाता है, अभी हम उसके लिए भी बात करेंगे। दूसरे महीने से 44% प्रॉफिट लेवल को बनाए रखने के लिए एसोसिएट को समान उपरोक्त लिखित अनुसार बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा उस महीने के क्वालिफाइड कंडीशन के अनुसार प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस पाने के लिए उसी महीने रूबी स्टार एसोसिएट के नीचे 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए, तभी वह क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्टिव जनरेशन से 5%, 3% और 2% का लीडरशिप बोनस प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको, और यदि एक एसोसिएट अधिक से अधिक लीडरशिप बोनस पाने की शर्त क्या है, कि यदि एक एसोसिएट 20,000 पीजीबीवी बनाता है तो वह 3 क्वालिफाइड लेग से लीडरशिप बोनस प्राप्त करेगा, अन्यथा उसे केवल 2 क्वालिफाइड लेग से ही लीडरशिप बोनस प्राप्त होगा, और बची हुई लेग कम से कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ उसके अपलाइन क्वालिफाइड एसोसिएट को मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमें जो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम है, अगर आप 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार के अलावा 20,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपको तीनों लेग से लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे
दो लेग को मेंटेन करते हैं और तीसरी लेग को आप मेंटेन नहीं कर पाते, वहां से अगर आप 20,000 पीजीबी बना लेते हैं तो आपको दो ही लेग से फंड मिलेगा। फंड यदि कोई भी एसोसिएट लगातार 3 महीने, क्योंकि हर हर उसमें आपको लेवल में 3 महीने मेंटेन करना अनिवार्य है, तो क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग मेंटेन करता है 3 महीने, क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग को मेंटेन करता है, तो वह 4th महीने से इस लेवल को मेंटेन करते हुए ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, और यहाँ पे दोस्तों एक कंपनी ने शुरू किया है दिसंबर से ही मीटिंग फंड, ये कोरोना काल से, ठीक है, तो कोरोना काल से अभी इन्होंने शुरू किया था मीटिंग फंड, तो यहाँ पे आपको एक मीटिंग फंड भी मिलना शुरू हो जाता है, उसके योग्य बन जाते हैं। डायमंड स्टार, ठीक है, जैसा कि नाम है डायमंड स्टार अवार्ड, 47% का आपका लेवल हो जाता है डायमंड स्टार एसोसिएट अवार्ड प्राप्त करने के लिए। उसी महीने आपके पास चार विभिन्न, देखिए कि ए बी सी डी चारों को आपको सुपरस्टार बनाना है, बाकी आप और लेग्स ओपन कर सकते हैं, तो तभी आपको चारों चारों लेग में क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए होते हैं। और अगर आपको चारों उसमें से अगर आपकी चारों क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए तभी एसोसिएट डायमंड स्टार एसोसिएट बनेगा और 47 प्रॉफिट लेवल प्राप्त करेगा। दूसरे महीने से 47% प्रॉफिट लेवल को बनाए रखने के लिए एसोसिएट को समान मापदंड बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा उसी महीने के क्वालिफाइड कंडीशन के अनुसार प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 3 किए तो आपका लेवल वापस से रूबी के हिसाब से आपको मिलेगा, अगर चारों क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं तो आपको डायमंड के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग सबसे बड़ी गलती है क्या करते हैं, हम अपने जो भी हमारे प्लान्स हैं हम प्लान को सही से समझते नहीं हैं, तो हमें उसके हिसाब से पेमेंट मिलती नहीं, फिर हम लोग कहते हैं कि यार हमें इतना नुकसान हो गया, हमें उसने समझाया नहीं। ये हमें सीखने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ जो सीखेगा वही कमाएगा, ठीक है। तो आपको चार क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाने हैं और उसको 3 महीने तक मेंटेन करके भी रखना है। तो हम बात करते हैं लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस पाने के लिए उस महीने डायमंड स्टार एसोसिएट की चार विभिन्न डाउनलाइन में से चार क्वालिफाइड सुपरस्टार एसोसिएट होने चाहिए, तभी वह क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्टिव जनरेशन से 5%, 3%, 2% और 2% का लीडरशिप बोनस प्राप्त करता है। अधिक से अधिक लीडरशिप बोनस पाने के लिए शर्त, यस ये बड़ी ही जरूरी है, यदि एक एसोसिएट 20,000 पीजीबीवी बनाता है तो वह चार क्वालिफाइड लेग से लीडरशिप बोनस प्राप्त करेगा, अन्यथा उसे केवल 3 क्वालिफाइड लेग से ही लीडरशिप बोनस प्राप्त होगा और बची हुई लेग पर लीडरशिप बोनस कम से कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ उसके अप्लाइंग क्वालिफाइड एसोसिएट को मिल जाएगा। दोस्तों आप कोशिश करिए चारों क्वालिफाइड लेग को सुपरस्टार क्वालिफाइड कीजिए और प्लस साइड से भी बिजनेस वॉल्यूम को मेंटेन कीजिए, ठीक है। वैसे इतना अनिवार्य नहीं है, बट आप मेंटेन करेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट आएगा, ज़्यादा आपका फंड आएगा, तो अच्छी बात है, मेंटेन करना चाहिए फंड। यदि कोई भी एसोसिएट लगातार 3 महीने तक हर महीने चार क्वालिफाइड सुपर स्टार लेग मेंटेन करता है तो उसके 4th महीने से इस लेवल को मेंटेन करते हुए ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड और मीटिंग फंड प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। यहाँ पे आपको 5 फंड मिलते हैं दोस्तों, मैं एक बार फंड दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, मीटिंग फंड। तो ये है सबसे बढ़िया, यहाँ पे आप एक 50% के पार्टनर बन जाते हैं चेयरमैन स्टार, ठीक है। एसोसिएट अवार्ड प्राप्त करने के लिए एसोसिएट की 5 विभिन्न लेग में 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार होने चाहिए, तभी एसोसिएट चेयरमैन स्टार एसोसिएट बनेगा और 50% प्रॉफिट लेवल प्राप्त करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार चाहिए और 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं चेयरमैन। दूसरे महीने से 50% प्रॉफिट लेवल को बनाए रखने के लिए एसोसिएट का समान मापदंड बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा उस महीने के लिए क्वालिफाइड कंडीशन के अनुसार प्रॉफिट लेवल कम हो जाएगा। तो आपको पांचों लेग्स को क्वालिफाइड सुपरस्टार को बनाए रखना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। लीडरशिप बोनस पाने के लिए उसी महीने चेयरमैन स्टार एसोसिएट के नीचे 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग होनी चाहिए, तभी वह क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक्टिव जनरेशन से 5, 3, 2, 2
और 1% का लीडरशिप बोनस प्राप्त करता है। जैसा कि साइट से अगर आप बिजनेस 20,000 बिजनेस PGBV बनाते हो तो वह 5 क्वालिफाइड लेग से लीडरशिप बोनस प्राप्त करेगा, अन्यथा उसे केवल 4 क्वालिफाइड लेग से ही लीडरशिप बोनस प्राप्त होगा और बची हुई लेग का लीडरशिप बोनस कम से कम बिजनेस वॉल्यूम के साथ उसके अप्लाइंग क्वालिफाइड एसोसिएट को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो फंड मिलने वाले हैं मजा आ जाएगा। यदि कोई एसोसिएट लगातार 3 महीने तक हर महीने 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग मेंटेन करता है और साइड से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम को भी मेंटेन कर लेता है तो वह 4th महीने से, अब वैसे में आपको 20,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मेंटेन करते हो तो आपको 5वीं जनरेशन से पैसा आएगा। अगर आप 20,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं मेंटेन करते, सिर्फ 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग को मेंटेन करते हो तो आप ये फंड पाने के योग्य हो जाते हैं और वह 4th महीने से इस लेवल को मेंटेन करते हुए ट्रैवलिंग फंड गिनते जाइए, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, चेयरमैन स्टार फंड और मीटिंग फंड प्राप्त करने की योग्य बन जाता है। ट्रैवलिंग फंड वही 2%, बाइक फंड 2%, कार फंड 2%, हाउस फंड 2%, चेयरमैन फंड 2% और मीटिंग फंड। दोस्तों इन सबको मिला के एक चेयरमैन की जो कम से कम इनकम होती है वो तकरीबन 1,00,000 रुपये के आसपास की इनकम होती है, ठीक है, 1,00,000 या 1,00,000 से अधिक भी होती है। जैसा आप अपनी अपनी लेग्स के साथ अपने जो भी आपके एसोसिएट हैं उनके साथ परिवार बना के और उनके साथ जो आप काम करते हैं उनसे जितना ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आती है और बाकी जो फंड बनते हैं उसके तो क्या कहने। तो फंड भी आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं और इनकम भी आपकी उससे मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए मेरे ख्याल से चेयरमैन स्टार तक के लिए बहुत ही बेस्ट है, आगे के लिए हम और आगे वो करेंगे। पहले आप एक सुपरस्टार बनिए, क्वालिफाइड सुपरस्टार बनिए और फिर अपने नीचे कोशिश करिए 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार तैयार करें और चेयरमैन बन जाएं। और जब आप चेयरमैन बन जाएंगे तो यहाँ से एक बहुत अच्छी जर्नी शुरू होती है, बहुत ही मज़ेदार, यानी कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ड्रीम पूरे करने हैं तो ये लेवल आपको प्राप्त करना है, चेयरमैन स्टार एसोसिएट अवार्ड। तो इसी के साथ गुड IMC, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा पूरी पूरे आपके सवालों का जवाब देने का। तो चलिए धन्यवाद, गुड IMC, शबा खैर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मल्होत्रा जी, मेरा यूट्यूब चैनल मल्होत्रा जी। दोस्तों फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड्स, आपका अपना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।